हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं अभिषेक भार्गव, भार्गव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है 27 फरवरी छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए बहुत छोटा सा वीडियो होता है तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और पीडीएफ देखिए कमेंट मुझे मत करिए, मैंने आपको कई बार बोला है कि पीडीएफ जो है आप लोगों को भार्गव क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगा, ठीक है। किसी को पर्सनल पीडीएफ मैं नहीं भेज पाऊंगा, कई बार आप लोगों को बता दिया मैंने। तो आप लोगों को भार्गव क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप ही ज्वाइन करना पड़ेगा ये सारे करंट अफेयर के जो है पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए। और देखिए छत्तीसगढ़ का जो करंट अफेयर है ना वो रोज बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम जो है 5-6 क्वेश्चन आप लोगों के लिए रोज कहीं ना कहीं से खोज कर बना ही देते हैं, ठीक है। बहुत ही मुश्किल होता है कि छत्तीसगढ़ का आप रोज करंट अफेयर जो है वो बना पाए, तो हम जो बनाते हैं कम से कम उसको आपको एक बार जरूर देखना चाहिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये सारी चीजें याद रहें। आपके आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीजें याद रहनी चाहिए, क्योंकि ये न्यूज जो है ना ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर में क्या है। देखिए आज का वीडियो बहुत छोटा है, इसमें मुश्किल से 5 प्रश्न है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले एक बात और कहना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चों ने अभी तक भार्गव क्लासेस को बिना सब्सक्राइब किए वो देख रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज आपसे निवेदन है कि लाल कलर का बटन जो सब्सक्राइब का होता है उसको दबा लीजिए और बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एक बात और कहना चाहूंगा कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इंडिया करंट अफेयर मॉर्निंग में अपलोड करने के लिए, तो 1 मार्च से क्या करेंगे, इंडिया करंट अफेयर मॉर्निंग में जो है 7 बजे जो है अपडेट कर देंगे, ठीक है। उसके अंदर में तकरीबन 10 क्वेश्चन लेंगे इंडिया करंट अफेयर रेगुलर, और उसके बाद में छत्तीसगढ़ करंट अफेयर आपको दिन में किसी भी टाइम पर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। देखिए पहला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकारी क्षेत्र का दूसरा एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है। तो देखिए दूसरा एकीकृत इस्पात संयंत्र ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इसकी पिक लगाई हुई है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इसमें आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार की क्षेत्र का दूसरा एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा नगरनार इस्पात संयंत्र जो है वो दूसरा एकीकृत जो है इस्पात संयंत्र है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि देश के विकास में योगदान देने के लिए एक और स्टील प्लांट बनकर तैयार हो चुका है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, ठीक है, एनएमडीसी जिसको कहा जाता है, का यह पहला स्टील प्लांट होगा। कंपनी अब तक बस्तर में लौह अयस्क का खनन ही करती थी, पर अब स्टील का उत्पादन करने को भी तैयार है। एनएमडीसी ने स्टील प्लांट के लिए विभिन्न संयंत्रों का परीक्षण शुरू कर दिया है, यानी अब प्रदेश के दूसरे एकीकृत इस्पात संयंत्र नगरनार आयरन एंड स्टील प्लांट की कोल्ड टेस्टिंग ने रफ्तार पकड़ ली है। तो याद रखिएगा नगरनार स्टील प्लांट, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि सूक्ष्म मध्य और लघु उद्योग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये अवार्ड ले रहे हैं नितिन गडकरी से 84 लखमा। तो कौन से स्थान पर रहा छत्तीसगढ़ उत्कृष्ट कार्य करने में सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्योग में, ठीक है। तो ये रहा दूसरे स्थान पर। कौन से स्थान पर? दूसरे स्थान पर। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के कार्य की सुबलता, सामाजिक आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में काम करने पर छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय MSMI पुरस्कार समारोह में छत्तीसगढ़ को ओवरऑल उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए द्वितीय पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया। समारोह नई दिल्ली के प्रवासी भारतीय केंद्र में आयोजित किया गया, जहां प्रदेश के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री 84 लखमा ने केंद्रीय उद्योग मंत्री नितिन गडकरी के हाथों पुरस्कार ग्रहण किया, ठीक है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ सरकार धान की फसल की तरह और कौन सी फसल पर बोनस देगी। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो कौन सी फसल पर बोनस देगी छत्तीसगढ़ सरकार धान की जगह, धान के अलावा, तो वो है मक्का। मक्का के लिए जो है छत्तीसगढ़ सरकार बोनस देगी। पिछले 3 दिनों से चल रहे राष्ट्रीय कृषि मेला का आज समापन हो गया। इस दौरान कृषि मंत्री, आपका नाम याद रखना है, रविंद्र चौबे ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को धान की तरह जल्द ही मक्का फसल पर भी बोनस देगी। सरकार ने इसके लिए तैयारी पूरी कर ली है, जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी। तो याद रखिएगा मक्का की फसल पर भी धान की तरह क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की 2228 मीटर ऊंची चोटी कोजिस्काको की चढ़ाई छत्तीसगढ़ से कौन करेंगे। तो आपको बताना है, यहां पर देखिए मैंने इनकी पिक लगा रखी है, ये छत्तीसगढ़ के हैं। तो ये कौन है और ये जो चढ़ाई कहां पर कर रहे हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया की ऊंची चोटी है, तो इनका नाम है चित्रसेन साहू। तो चित्रसेन साहू की आप पीक पहले देख लीजिए अच्छे से, और ये चढ़ाई करेंगे कितने मीटर, 2228 मीटर की, ठीक है।
अब मैं इनके बारे में आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोस्थेटिक लेग और बुलंद हौसलों के दम पर अफ्रीका महाद्वीप के 5,685 मीटर ऊंचे पहाड़ किलिमंजारो फतह करने वाले 27 साल के युवा पर्वतारोही चित्रसेन साहू अब अपने नए मिशन की तैयारी में ऑस्ट्रेलिया की 2,228 मीटर ऊंची माउंट कोजिसआको की चढ़ाई करेंगे। इसके लिए चित्रसेन 28 फरवरी को रायपुर से रवाना होंगे। अपने पैरों पर खड़े मिशन के तहत कोजिसआको चोटी पर चढ़कर चित्रसेन छत्तीसगढ़ को प्लास्टिक फ्री राज्य बनाने का मैसेज देंगे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चित्रसेन साहू के बारे में ठीक है पढ़ लीजिएगा एक बार, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। पांचवा प्रश्न है, युवा वैज्ञानिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो युवा वैज्ञानिक सम्मेलन जो मार्च में होने वाला है तो ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में। ठीक है, तो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में अगले महीने राज्य के युवा वैज्ञानिकों का जमावड़ा लगेगा। वे यहां पर शोध प्रस्तुत करेंगे, जिनका रिसर्च सबसे अच्छा होगा उन्हें पुरस्कार भी मिलेगा। बेस्ट रिसर्चर को 21,000 रुपए दिए जाएंगे। विश्वविद्यालय में 25 और 26 मार्च को युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो आज के इस पार्ट में सिर्फ 6 ही क्वेश्चन थे, 5 ही क्वेश्चन थे और छठवां क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए है। तो आपको जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताना है। मैंने आपको पहले ही बताया छत्तीसगढ़ के इतने सारे करंट अफेयर नहीं बन पाते हैं रेगुलर रोज के रोज, ठीक। तो आपको ये वाला आंसर जो है छत्तीसगढ़ का, ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताना है। छत्तीसगढ़ के अनूप रंजन पांडे को इनमें से कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताना है, ठीक है। और इंडिया करंट अफेयर आप सभी नीचे कमेंट कर देंगे कि इंडिया करंट अफेयर कराना है या नहीं कराना है। तो एक तारीख से यदि कराना होगा वो मैं रेशियो निकाल लूंगा कमेंट सेक्शन के हिसाब से। कराना होगा तो मॉर्निंग में 7 बजे जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको और जो सुझाव देना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और कौन से छत्तीसगढ़ के वीडियोस जो है वो बनाए जा सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पीडीएफ आपको भार्गव क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगा, तो अगर नहीं ज्वाइन किया हो तो जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, जय।